रिसेंटली हमारे BTS के मेंबर वी की कुछ फोटोज उनके मिलिट्री बेस से रिलीज करी गई हैं, जहां पर हमारे वी बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहे हैं। और दोस्तों, इन फोटोज को देखकर आपको क्लियरली समझ आ ही जाएगा कि इतने टाइम में वी का डेवलपमेंट कितना ज्यादा हुआ है। कुछ ही महीनों पहले हमारे वी एक कॉन्सर्ट के बाहर सिक्योरिटी करते नजर आए थे, जहाँ पर वो पतले लग रहे थे बट पहले से काफी ज्यादा बल्की नजर आ रहे थे। लेकिन इन न्यू फोटोज में तो वी ने कमाल ही कर दिया। उनके फेस और उनकी बॉडी को देखकर समझ में आ रहा है कि वी काफी ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने दिनों में वी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दी गई है, और रिसेंटली तो उनके ट्रेनिंग्स की काफी डिटेल रिवील करी गई है, जहाँ पर कुछ मिलिट्री आर्मी फोर्सेस को चोट भी लग गई है। तो आप सब कुछ जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो कल जब वी की मिलिट्री ट्रेनिंग से कुछ फोटोज रिलीज करी गई, उसके बाद पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों से वी की SDT टीम को काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नॉर्थ कोरिया के साथ भी साउथ कोरिया के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और कई सारे ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिससे लगता है कि साउथ कोरिया को थोड़ा खतरा हो सकता है। तो पता चला है कि पिछले कुछ हफ्तों से BTS के मेंबर्स को भी काफी टफ ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें से वी भी मौजूद है। रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करी गई थी, जहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से स्पेशल टीम को हर एक तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो किसी भी दुश्मन से ना हारे। साथ ही साथ एयरफोर्स को भी पिछले कुछ हफ्तों से काफी टफ ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज में बताया गया था कि इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स घायल भी हो गए थे, क्योंकि ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ है, और इसके पीछे यही मोटिव है कि साउथ कोरिया की जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो किसी से भी ना हारे। हालांकि वी की जो फोटोज है उनको देखकर आप समझ ही सकते हो कि वी अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इतनी गर्मी में भी वी इतनी ज्यादा मोटी यूनिफॉर्म पहनकर इतने अच्छे से पोज कर रहे थे, उनकी आंखों में ही वो फियर्स लुक नजर आ रहा है, जिससे पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी काफी टफ हो चुकी है। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग को लेकर और भी चीजें रिवील करी गई हैं, और बताया गया है कि अभी कुछ दिन और ऐसी ट्रेनिंग चलने वाली है, जहां पर मिलिट्री ऑफिशियल्स को और टफ चीजें सिखाई जाएंगी, और दोस्तों इन ट्रेनिंग्स में सीखने वाले वी भी होंगे। तो आप बस यही उम्मीद करो कि वी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग्स को पूरा कर पाए, उन्हें कोई भी चोट ना लगे, और वो सक्सेसफुली ये सब चीजें सीख पाए। तो वैसे तो आर्मीज काफी टेंस थी वी को लेकर इन ट्रेनिंग्स को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारी रियल बंदूक और काफी ज्यादा टफ चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब वी मिलिट्री में गए हैं, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में, तो फिर ये तो होगा ही। तो आप मुझे बताओ कि वी के लिए आपका क्या मैसेज है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।